subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, मैं हूं पंकज बेनवंशी और आज हमारे साथ हैं सिद्धिविनायक होम्स के डायरेक्टर सौरभ अग्रवाल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट आपने जो तलवजा में बनाया है उसकी खासियत थोड़ा सा बताइए और कितने एकड़ में ये फैला हुआ है आपका जो प्रोजेक्ट है? ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सिद्धिविनायक होम्स डेवलप कर रहा है तलवजा में, ये मेट्रो स्टेशन से जो पेंदर मेट्रो स्टेशन है उससे हार्डली 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और ये बहुत बड़ा टाउनशिप में स्प्रेड है, पूरा टाउनशिप एरिया में स्प्रेड है। इसमें हमारे 20 से 25 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग फेजेस में हम इसे डेवलप कर रहे हैं। इसमें करीब 2000 से ज़्यादा फ्लैट्स आने वाले हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट 1000+ फ्लैट्स डिलीवर कर दिए हैं। जैसे सर आपने बताया कि 20 एकड़ में फैला हुआ है, जिस तरह से लग्जरी लुक दिया है आपने, आपका इसमें क्या थीम रहा, क्या मोटो रहा है कि इस तरह से लुक देंगे पब्लिक किस तरह से अट्रैक्ट होगी? तो हमारा यहाँ पे जो हमारा यूनिकनेस है, जो हमारा USP है, एक तो है कि हमने जो लग्जरी में अफोर्डेबल में जो लग्जरी का लुक दिया है, मतलब अगर आप देखेंगे कि G+4 बिल्डिंग्स में जो हमने एलिवेशन में लुक दिया है या जो एक माहौल बनाया है, प्लस इतना वाइड इंटरनल ओपन स्पेसेस दिया है, प्रॉपर एमिनिटीज़ एरिया दिया है, ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग एरिया दिया है ताकि डे टू डे डेली नीड्स का सब यहाँ यहीं पर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही सबको सब चीज़ मिल जाए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा यहाँ मोटो था कि एक जो वैल्यू फॉर मनी किसी को मिले, अगर कोई यहाँ अपना पैसा डाल लगा रहा है तो उसको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, या उस जब वो यहाँ रहने आए तो उसके लिए वो एक अपग्रेड होना चाहिए उसके लाइफस्टाइल में। तो हम यहाँ वो चीज़ का एजेंडा से, वो एम से हमने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। जैसे कि आपने बताया कि 2000+ यहाँ पे बनाए हैं, 1000 डेवलप कर दिया है, 600 बुकिंग्स हो गई है, तो जो ग्राहक है आपको, जो कस्टमर्स है, वो किस तरह से देखते हैं सिद्धिविनायक होम्स को? ये देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट रहा है कि हमने जो भी डिलीवरी की है वो वेल विद इन टाइम की है। जो मैंने 1000 फ्लैट्स की आपसे बात की, लेस देन 5 ईयर्स में हमने यहाँ डिलीवर किए हैं इन डिफरेंट फेजेस। तो जो एक ट्रस्ट लोगों में डेवलप हुआ है कि जो हमने उनसे प्रॉमिस किया या जो उनको दिखाया वो चीज़ उन्हें मिली, वो क्वालिटी मिली, वो एश्योरेंस मिला, तो उससे यहाँ लोग काफ़ी खुश हैं और उसी से हमें और रेफरेंस भी मिलते हैं और वही लोग हमारे नाम को, हमारे ब्रांड को और आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट से तैयार किए हैं पूरे नवी मुंबई या नवी मुंबई के बाहर, तो कैसा रिस्पांस रहा है आपके ग्रुप को जी? खास करके क्योंकि ग्रुप एक विश्वास होना चाहिए लोगों पर, तो किस तरह से विश्वास जाहिर करते हैं कस्टमर्स को, किस तरह से बाहर कर सकते हैं? तो हमारा जो कंपनी का टैगलाइन है, इट्स सिग्नेचर ऑफ ट्रस्ट, तो हमारा जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से किसी से भी डील करने का जो तरीका है, यही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे USP है। तो पनवेल एरिया हो गया, रोडपाली कलम बोली हो गया, या उलवे हो गया, या द्रोणागिरी हो गया, तो ये सब एरियाज़ में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी रेडी हो चुके हैं, काफ़ी डिलीवरी हो चुकी है, काफ़ी सोल्ड आउट है। तो ये जो सोल्ड आउट हो जाता है या जो एक लोगों का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट हम बनाए रखते हैं और वो ट्रस्ट से ही आगे लोग हमसे जुड़ते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बुकिंग लगातार जारी है, जिस तरह से विश्वास है लोगों का सिद्धिविनायक होम्स के ऊपर, तो आज कितनी बुकिंग हो चुकी है फाइनली? ये जो अभी 2000 फ्लैट का जो हमारा यहाँ पे पूरा टाउनशिप का प्लान है, तो इसमें 1000 मेरे जो रेडी हो चुके हैं वो सारा सोल्ड आउट है सर, और उसमें करीब करीब 600 फैमिलीज अभी यहाँ मूव हो चुकी हैं, यहाँ रह रही हैं, और करीब करीब 5 साल से हम इस टाउनशिप को डेवलप कर रहे हैं फेज़ बाई फेज़। तो मेजरली हमारा 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट ही होता है, मतलब बनने तक। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी मेरा 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुका है, प्लस अभी हमने और 2 से 3 नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में प्लान किए हैं जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उसे भी लॉन्च करेंगे और उसका भी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और भी आपसे पूछना है कि जिस तरह से आपने बताया कि लग्जरी घर दे रहे हैं प्लस अफोर्डेबल घर दे रहे हैं, तो क्या मतलब ग्राहक किस तरह से देखते हैं सिद्धिविनायक होम्स को? तो हमारे यूनिकनेस से काफ़ी लोग खुश होते हैं, जैसे कोई इस टाउनशिप में एंटर करता है तो ये अपनी ही अलग दुनिया है, यहाँ आके वो उसे ऐसे नहीं लगता कि वो कहीं मतलब कोई एक उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा रेसिडेंशियल टाउनशिप है जहाँ कम्युनिटी लिविंग में हम बिलीव करते हैं, तो कम्युनिटी लिविंग यहाँ उनको मिलती है, या उनके बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती है, उनके माँ बाप को चलने के लिए ओपन स्पेस मिलता है,
उनको रहने के लिए बड़ा घर मिलता है, स्पेशियस घर मिलता है जो प्रॉपरली प्लान्ड है। जैसे हम यहाँ 1 BHK में विथ मास्टर बाथरूम हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली 1 BHK में एक टॉयलेट और एक बाथरूम होता है, बट हम यहाँ दो टॉयलेट्स पूरे देते हैं। तो ऐसे जो एक प्रैक्टिकल 1 BHK में टू टॉयलेट, हाँ, तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है या जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लेके आते हैं, ये हमारे क्लाइंट्स काफ़ी उसको सराहते हैं। अब बात करें घर के बजट के ऊपर, जैसे आपने बताया 1 BHK 2 BHK, तो क्या बजट में है? क्योंकि जो खरीदार मतलब खरीदे करने के लिए आते हैं, मेन बजट ही रहता है, तो क्या बजट दे रहा है सिद्धिविनायक होम्स? तो सर, हमारा सिर्फ बजट पे फोकस नहीं है, हम एरिया भी उतना ही देना चाहते हैं। तो जैसे अभी इस टाउनशिप में हमारे पास 450 कारपेट के फ्लैट्स हैं जो हम 31 लाख 32 लाख की प्राइसिंग में सेल करते हैं। तो इस टिकट साइज में, इस कारपेट में शायद ही यहाँ कोई डील कर रहा है। तो एक चीज़ और सवाल है हमारा कि एरिया के ऊपर बात करते हैं, तो 1 BHK में कितना एरिया है, 2 BHK में कितना एरिया दे रहे हैं आप? 1 BHK में हमारे एरियाज रफली 400 से 450 के रेंज में होते हैं, और 2 BHK में करीब 600 स्क्वायर फीट तक हम कारपेट एरिया देते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट आपको बन रहे हैं अभी कब तक तैयार हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में ग्राहकों को? क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं, अभी 2-3 लोगों ने बोला कि इधर लेने के प्लान बना रहे हो। तो यही जो आश्वासन है हमारा कि जैसे ये प्रोजेक्ट है ये अगले 1 से 1.5 साल में रेडी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कोई प्लिंथ पर है, कोई कंप्लीशन पे है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास हर क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट है, हर क्लाइंट के बजट के लिए प्रोडक्ट है। एक आखिरी सवाल है कि जो ग्राहक है, जो आपसे मतलब सालों साल से जुड़े हुए पुराने कस्टमर्स हैं, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे? जो नए बायर्स ग्राहक आने वाले हैं, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे आप इतने प्रोजेक्ट की तरफ से? तो जो नए क्लाइंट्स हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार वो आके देखें जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, जो हम यहाँ ऑफर कर रहे हैं। कि आज अल्टीमेटली जब वो फ्लैट के अंदर रहने जाएंगे तो उनको उतना एरिया मिलना चाहिए फ्लैट के अंदर, उस प्राइस में वो वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। तो सिद्धिविनायक इज़ ऑल अबाउट वैल्यू फॉर मनी। तो नए क्लाइंट्स के लिए हम ये बोलेंगे कि सिर्फ प्राइस या सिर्फ एरिया देखकर नहीं, आप वैल्यू फॉर मनी देखिए कि आपको कितने एरिया में क्या प्राइस में मिल रहा है। और जो हमारे पुराने क्लाइंट्स है वो तो सर हमसे इतना खुश है कि हम और वो मिलके यहाँ रेगुलर बेसिस पे हमारे इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट लीग्स होती है, क्रिकेट मैचेस है, फेस्टिवल्स है, सब हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और इतना हमारा अच्छा यहाँ हर एक क्लाइंट से बॉन्डिंग है। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, वो हमसे इतना खुश है कि वो हमारे लिए और लोगों को भी बताते हैं कि हमने यहाँ घर लिया है। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक पूजा चल रही है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देंगे हमारे बारे में। तो धन्यवाद हमारे साथ। अभी हाल ही में सिद्धिविनायक होम्स में एक लोगों ने बुकिंग किया है, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या रिस्पांस है सिद्धिविनायक होम्स के प्रति, क्या उनका रुझाव है। सिद्धिविनायक होम्स में जैसे हम एंटर किए हमको अच्छा लगा, दी एम्बियंस, इफ़ यू सी द प्लेस, इट्स वेरी नाइस, वेल डेवलप्ड। अगर देखोगे द प्लानिंग इज़ वेरी गुड, सोसाइटी बहुत अच्छे से फॉर्म किया है। वही एक प्लस पॉइंट था कि हम लोग इतना प्रोजेक्ट्स देखे, बट ये प्रोजेक्ट हमको एंटर करते ही अच्छा लगा, बिकॉज इट्स सिस्टमैटिकली प्लान एंड दे यू कैन से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ वेरी नाइसली पुट अप ओवर हियर। द लाइक द मैनेजर ओवर हियर मिस्टर अजय इज़ देयर, हु डिड अ गुड जॉब, like convincing also, showing the flats also, and the people who showed us the flat in different buildings were very nice. So it was a very friendly atmosphere which I liked it, and I liked it the carpet area and everything which was very good. If you visit you'll get the whatever you're looking you will definitely like it. So mera naam Chaitali hai, humne aaj hi book kiya hai, and to be honest मैंने बहुत सारी जगह पे देखा बट मुझे कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा, कभी एरिया वाइज कभी कुछ। यहाँ पे मैंने गेट पे एंटर करते ही आई लाइक द पॉजिटिविटी के बहुत अच्छा है जगह, आपको रूम्स देखने भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, सोसाइटी वाइज बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो हम लोग आज बुक करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आए थे, बट एट दी एंड रूम देख के वी हैव डिसाइडेड टू बुक गो फॉर इट, not looking for any more flats. This was our second project in Taloja and we are good to go. And Mr. Saroj, he was quite friendly. He helped us, convince how to buy the flat and everything. He just helped, unke out of the way jaake unhone help kiya hai, just to convince to take the flat and we have decided to go for it. थैंक यू। खासियत ये है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्रोजेक्ट मैंने 2019 में यहाँ पे बुकिंग किया है,
अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा ऐसा अग्रवाल साहब का एक सिद्धि विनायक करके एक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, तो आप जरा देखिए आपको पसंद आए। तो जब भी मैं आया वहाँ पे उनका ऑफिस था, तो मैं ऑफिस में गया, सब उनके जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे सब एक्सप्लेन किया ये प्रोजेक्ट के बारे में, सब इसका एक्सप्लेन किया कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे उन्होंने कितना स्ट्रगल करके अग्रवाल साहब ने मिलाई है, क्या क्या किया इसके लिए, सब ओके करके फिर, और ये सब लीगली किया उन्होंने। सबसे बेस्ट है, हम लोग को उनका बहुत ही अच्छा है, सब लीगली करके सब प्रोजेक्ट ये उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये डेवलप किया है। ये अग्रवाल साहब का प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें मेरा फैमिली आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्हें भी बहुत पसंद आया। और ये मेरी मिसेस है, इनको भी लेके आता मैं, मेरे साले भी थे, तो साले ने भी देखा, उनको भी बहुत अच्छा पसंद आया। फिर हम लोग सब डिसाइड किया कि यहाँ पे अपना रूम होना चाहिए, तो फिर हम लोग सैम्पल फ्लैट दिखाए हमें, तो सैम्पल फ्लैट में हम लोग 1 BHK 2 BHK ऐसा सब दिखाया, सब बताया उन्होंने, एक्सप्लेन किया उनके टीम ने, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हमें पसंद आया। फिर वो 2019 में मैंने यहाँ पे बुक किया और 2023 में मुझे पोजीशन मिल गया, ले लिया, और आज मेरा यहाँ पे गृह प्रवेश है। मेरे जो फैमिली है उनको सबको पसंद आया, और थैंक्स टू अग्रवाल कि ये बहुत अच्छा आपने जो डेवलप किया है, मेरे सब फैमिली को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। मेरा नाम यतीन जाधव है, मेरा फ्लैट नंबर B1 रिद्धिमा 101 में मैं रहता हूँ, और बहुत अच्छी यहाँ पे सब सुविधा सिर्फ चालू होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जावे, हमारी गणेश जी से प्रार्थना है, सिद्धि विनायक का नाम रोशन हो जाए और अग्रवाल साहब को बहुत अच्छी तरक्की मिले। जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण था रूम का, वो मुझे पूरा हो गया, और मैंने जो सिद्धि विनायक में जो बुक फ्लैट किया था और यहाँ का एरिया वाइज। सिद्धि विनायक होम्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे कि ये 20 एकर का टाउनशिप है, ठीक है, इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, तो टोटल अभी हमारे जो कॉम्प्लेक्स रनिंग है वो टोटल 11 कॉम्प्लेक्सेस है। आप कॉम्प्लेक्स से ही एंटर करोगे ना, तो एक मतलब जो लुक होता है, कस्टमर उसको देख के खुश हो जाते हैं। अभी कैसे कि अभी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मतलब वीडियोस शूट करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसका रिस्पांस हम लोगों को बहुत अच्छा आता है। अभी आज ही एक कस्टमर ने विज़िट किया, तो उन्होंने खुद बोला कि आपका मतलब यहाँ पे जो सामने लोग रहने के लिए आए, तो अभी आज भी देखेंगे तो वो गृह प्रवेश मतलब सब चल रहा है, तो कैसे कि कस्टमर का रिस्पांस बहुत आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी हमारी इंक्वायरीज बहुत आती है, और ये जो हमारा लुक है, एक प्रोजेक्ट का जो एटमॉस्फियर है, स्पेशियस लेआउट है, हमारे जो फ्लैट का रेट और हमारा जो रूम साइज रहता है, वो एक हमारी एक स्पेशलिटी है ओवरऑल तलोजा फेस टू में। क्योंकि अगर आप मतलब यहाँ पे देखो, अभी रियल इस्टेट मार्केट इज़ सो ह्यूज और यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, लेकिन सिद्धि विनायक होम्स एक मतलब एक लग्जरियस और उसका जो लुक, इसके नाम से ही पहचाना जाता है। मैं लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगी कि सिद्धि विनायक में एक बार क्यों ना हो, ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको आपका जो एक सपनों का घर रहता है या घर की ख्वाहिश रहती है ज़रूर पूरी होगी यहाँ पे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.